इमरान भाई, देखने वालों के लिए ये बता दें कि प्रायोरिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत है जो पीछे कैंप में लोग चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं? राशन, खैमा, मच्छरदानी और दवाइयाँ, ये चार चीज़ें ज़्यादा। वैसे तो सभी खत्म हो गया, जो चीज़ भी आप देंगे वो इनके काम आएगी, लेकिन कोशिश करेंगे राशन, खैमा, मच्छरदानी और दवाइयाँ, ये चार चीज़ें ज़्यादा चाहिए। पीने के साफ पानी के फिल्टर हम लगवाएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह, वो भी चाहिए। चले ठीक है सर, पाकिस्तानी है। तो ये दो लाइन ना, तो ये नॉन मुस्लिम इनको हमने पहले दिया है, मुस्लिम लाइन को बाद में देंगे। हां सही है, ये बागड़ी बस्ती है जी, मेरे बच्चे निकले ना तो बाहर बंद मौजूद है। तीन किस्म की हिफाजतें मौजूद हैं इस शहर को बचाने के लिए। टेक्निकल लोग सारे गायब, गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही थी, महकमे कहीं नजर नहीं आ रहे थे, कुछ पॉलिटिकल लोगों को मशीनें दी, उन्होंने कट लगाना शुरू किया अपने अपने एरिया बचाने के लिए, और डेलिब्रेटली दादू को डबो दिया गया। बदकिस्मती है पाकिस्तान की, ये जो एरिया है ये सिंध हाईवे है और ये एक छोटा रास्ता है जो आगे जाता है, लेकिन ये रास्ता बंद है और इसके ऊपर 8-8 फुट पानी खड़ा था। अभी कुछ पानी उतरा ज़रूर है, लेकिन आप ये देखें यहाँ से आगे ये सड़क पानी में चली जाती है। वो सामने पेट्रोल पम्प है, वो पूरा डूबा हुआ है, सामने सैकड़ों देहात हैं पूरे के पूरे डूबे हुए हैं, और पूरा का पूरा ज़िला डूब गया है सिर्फ नाअहली की वजह से और बदनीयती की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं बदनीयती है। फिर मेरे साथ ये जितने जर्नलिस्ट आए हुए हैं, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट भी यहाँ पे आए, लोग आप देख सकते हैं कि इन लोगों को जो है वो सामान की ज़रूरत है। हम बोट्स में बैठे हैं, उस साइड से आ जाएँ आगे से, तो अब जो है वो ये हमारी बोट्स रास्ते में रोक कर इन लोगों को जो है वो रिलीफ का सामान दे रही है। आप देख सकते हैं वो अफलास इतनी है कि लोग जो है वो कहीं जमीन ऐसी होती है खुशक बंजर, मैप कट और देख सी।